वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम पिछले कुछ वीडियोस में कई सारे डिसीजेस हैं, ह्यूमन डिसीजेस, कॉमन डिसीजेस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह से आज जो है वो हम एक और कॉमन डिसीज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हम दो डिसीजेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक है आपका रिंग वर्म, ठीक है, जिसे डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है, क्या है बाद में बात करेंगे, और दूसरा है डेंगू, ठीक है। पहले जो है वो रिंग वर्म, एक्चुअली रिंग वर्म जो है ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर मतलब ये ऐसा नाम है जो आपको मिसगाइड कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीज़ है वो किसी वर्म की वजह से, मतलब किसी अड़ी की वजह से, इल्ली की वजह से हो रहा है, कैटरपिलर की वजह से हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये एक फंगल डिसीज़ है। तो इसलिए ये जो नाम है ये आपको थोड़ा सा मिसगाइड करता है। इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है डर्मेटोफाइटोसिस। डर्मेटोफाइटोसिस मतलब डर्म लेयर को जो है, ये जो भी फाइटॉन्स हैं, फाइटॉन्स मतलब जो भी फंगस हैं, ये आपके डर्म लेयर मतलब आपके स्किन के लेयर को जो है वो इन्फेक्ट करती है, स्किन के लेयर को जो इन्फेक्ट करती है, इन्फेक्शन क्रिएट करती है, इसीलिए उसे डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, सबसे पहले ही बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो स्किन में होता है, ठीक है, जो आपके स्किन में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। देन किस वजह से कॉज होता है, तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं लेकिन वो दो ही जेनेरा को बिलोंग करती है। आप लोगों को जेनेरा और स्पीशीज़ के बारे में मालूम है, ठीक है, तो ये बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। देर आर मेनी फंगल स्पीशीज़ विच बिलोंग्स टू टू जेनेरा, एक है ट्राइकोफाइटोन और दूसरा है माइक्रोस्पोरम। तो ये दो ऐसे जेनेरा हैं जिनके अंडर में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो हमारे स्किन को अफेक्ट करती है, इन्फेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। ये जो भी फंगस है ये हमारे स्किन के ऊपर क्यों ग्रो होता है, या फंगल इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे होने का क्या कारण है? तो हमारे बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे कैरेटीन नाम का प्रोटीन जो है, कैरेटीन नाम का सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट रहता है, और उसी कैरेटीन को खाने के लिए, उसके ऊपर वो फीड करते हैं, तो उसी कैरेटीन को खाने के लिए ये हमारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर में जो है वो ग्रो होते हैं। जैसे कि अभी कैरेटीन कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्किन में, ठीक है, हेयर्स में, हेयर के जो रूट्स होते हैं वहाँ पर, एंड नेल्स जो नाखून होते हैं उसमें, तो या जो भी नाखून का अंदर का भाग होता है वहाँ पर। तो इसी वजह से जो भी फंगल इन्फेक्शन है ये इन जगहों पे आपको देखने मिलेगा, हेयर में, स्किन में एंड नेल्स में, ठीक है। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे कैरेटीन प्रेजेंट होता है एंड दे फीड ऑन कैरेटीन, कैरेटीन को वो खाते हैं इसीलिए। देन साइंस एंड सिम्टम्स, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, इसके क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले जो भी इन्फेक्टेड स्किन है वो बहुत इट शोज लार्ज, ठीक है, वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा एरिया आपको दिखाई देगा, रेड कलर का रिंग फॉर्म हो जाता है, जिसे आप लोगों ने जो है वो बहुत सारी एड्स में देखा होगा, दांत, खाज और खुजली। तो ये जो है दोज आर द टाइप ऑफ रिंग वर्म। वो रिंग वर्म इसलिए उसको नाम दिया है क्योंकि वो रिंग शेप मतलब गोल गोल बढ़ता है, ठीक है, जो भी खुजली वाला एरिया है या जो भी रेड रेड आपको स्पॉट हो जाते हैं वो गोल गोल बढ़ते हैं रिंग शेप में, इसीलिए उसे रिंग वर्म नाम दिया है, ठीक है। सो जो भी इन्फेक्टेड स्किन रहेगी वहाँ पे एक बड़ा सा आपको रेड कलर का रिंग शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो रेड कलर का हो चुका है, ठीक है। देन अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के ऊपर में जो है वो बहुत सारे ऐसे लेजन्स मतलब ऐसे निशान या चट्टे हो जाएंगे जो ड्राई हो गए हैं, वहाँ की स्किन रूखी हो गई है, ठीक है। और ये जो भी पैचेस हैं, ये रेड पैचेस, आपको बहुत ज़्यादा खुजली वहाँ पे होगी, इंटेंसिव इचिंग मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा आपको इचिंग वहाँ पे होती है, ठीक है। सो ये फंगल इन्फेक्शन है जो आपके बॉडी पार्ट्स में जहाँ पर भी होगा आपको वो हिस्सा जो है वो ड्राई हो जाएगा और वहाँ पे बहुत सारी खुजली होगी, ठीक है। देन इन्फेक्शन टू नेल्स इज टर्म्ड एज ओनिकोमाइकोसिस, ठीक है, ओनिकोमाइकोसिस। अब देखो, जैसे ये तो हो गया स्किन के बारे में, ठीक है, अब नेल्स में भी ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन अगर नेल में हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा?
ओनिकोमाइकोसिस, ठीक है। और इसकी वजह से जो नेल्स हैं ये थोड़े से थिक हो जाते हैं, डिसकलर। आप देखो जनरली नेल जो है वो आपको वो थोड़े से वाइटिश या फिर पिंकिश, अगर वो स्किन से जुड़े हुए हैं तो आपको पिंकिश नज़र आएंगे, लेकिन अगर वो बढ़े हुए हैं तो वाइट रहते हैं। लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो जो है डिसकलर, उसका जो कलर है कलरलेस, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। एंड डिसफिंगर्ड, मतलब वो जो है वो बार बार टूटने लगेंगे, ठीक है, टूटने लगते हैं जो नेल्स हैं वो, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन। देन इसके बाद में है एथलीट्स फुट, पैरों में भी ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जिसे एथलीट फुट कहा जाता है, ठीक है। ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है ये जनरली आपको टोज के बीच में नजर आएगा, मतलब इट स्टार्ट्स विद द टोज, जो हमारे पैरों की उंगलियां होती है उनके बीच की जो जगह होती है वहां पर आपको ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो होगा। अब देखो बारिश में या बहुत सारे लोग जो ज़्यादा पानी में नंगे पाँव चलते हैं या बारिश में नंगे पाँव होते हैं, स्पेशली बारिश में आपको ये इन्फेक्शन देखने मिलेगा, तो जो पैरों की उंगलियां हैं उनके बीच में जो है वो खुजली होने लगती है और वहाँ पे पस जमा होने लगता है, जिसे आप चिकली कहते हो, ठीक है, हिंदी या मराठी में इट इज़ कॉल्ड एज चिकली। तो वो जो है दैट इज एथलीट्स फुट, वो भी किसकी वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स जो आपके स्किन को, आपके नेल्स को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे जो है वो देखो स्किन के बारे में बताया, नेल्स के बारे में बताया, हेयर के बारे में नहीं बताया। हेयर जो है, हेयर में भी ये इन्फेक्शन होता है। डैंड्रफ, आप लोगों को पता है कि हमारे बालों में डैंड्रफ होता है। ये डैंड्रफ क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि हमारा जो स्काल्प होता है, जो हमारा स्कल होता है, ठीक है, तो वो जो है उसकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के, ड्राई क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन जो है वो होता है और उसकी वजह से स्किन ड्राई होती है, और जब हम खुजली करते हैं तो वो स्किन बाहर निकलने लगती है, जिसे हम रूसी कोंढा या फिर डैंड्रफ भी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन विच कॉजेस इन अवर रूट हेयर्स, ठीक है, आपके जो रूट हेयर्स हैं या हेयर के जो रूट है वहाँ पर कैरेटीन होता है, उसको खाने के लिए फंगस वहाँ पे ग्रो होता है, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है और खुजली की वजह से डैंड्रफ हो जाता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस विच कॉजेस योर स्किन, मतलब इन्फेक्शन कॉज्ड इन योर स्किन, इन योर नेल्स एंड इन योर हेयर, ठीक है। देन इसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसफर होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो सबसे पहले जो है ये शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, जिस पर्सन को इस तरह का दांत खाज खुजली या फिर ये सब हुआ है उसके कपड़े आप इस्तेमाल ना करो, अगर आप उसके कपड़े इस्तेमाल करते हो तो उसकी वजह से ये डिसीज होता है। कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप उसकी कंघी इस्तेमाल कर रहे हो बालों को सुलझाने के लिए या कंघी करने के लिए, तो भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब डैंड्रफ हो सकता है, या फिर आपको पता नहीं है। डैंड्रफ के अलावा भी बहुत बड़ा इन्फेक्शन आपके बालों में हो सकता है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं। बाल्डनेस, बाल्डनेस मतलब आपके बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं और ऐसे झड़ते हैं कि उस जगह पे बाल आते ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज बाल्डनेस। बाल्ड मतलब होता है टकला, ठीक है, तो यहाँ पे बाल्डनेस मतलब आपके सर पर बाल ही नहीं आएंगे, और वो भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो सर्कल में ग्रो होता है वो जो फंगस है, और वो जहाँ जहाँ बढ़ते चला जाता है वहाँ वहाँ के बाल जो है वो झड़ते चले जाते हैं और दोबारा वहाँ पे बाल नहीं आते। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ सीरियस इन्फेक्शन इन हेयर्स, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसके अलावा जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ज़्यादा करीब ना रहें या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में ना रहें, तो ये अगर हम क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो ये डिसीज आपको ट्रांसफर हो सकता है। देन इसके बाद में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो इसके लिए है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकली हमको देखना होगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसा चट्टा बना है, कैसा पैच बना है, कैसे खुजली हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हम जब फिजिकली एग्जामिन करेंगे तब पता चलेगा कि ये जो है वो सचमुच में फंगल इन्फेक्शन है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इट इज़ ट्रीटेड बाय द ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन लाइक नेस्टेटिन,
ठीक है, देन फ्यूको नेजोले एंड इसके बाद में है इटैर कॉन्जेलोए। ये जो है दीज आर द मेडिसिंस विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर स्पेशली फॉर डर्मेटोफाइटोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन या रिंग वर्म के लिए जो है ये यूज होता है, ठीक है। देन इसके बाद में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम इस पर्टिकुलर डिसीज से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, जो भी पर्सन है अगर आपको पता है कि उसको ऐसा इन्फेक्शन है तो उससे दूर रहें, उसके कॉन्टैक्ट में ना रहें। शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, उसके कपड़े ना शेयर करें। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जनरली हम जब स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट है या और भी कुछ है, उसके ग्लव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप ना करो। तो उसकी वजह से अगर आप ऐसा करते हो तो उसकी वजह से आपको ये डिसीज हो सकता है। सो बेटर नॉट टू शेयर आर थिंग्स विथ अदर्स, ठीक है। देन इसके बाद में वॉशिंग क्लोथ्स इन हॉट वाटर, गर्म पानी में अपने कपड़े भिगोए। स्पेशली जो सोप या डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वो फंगीसाइडल हो, मतलब फंगस को मारने वाला हो, ऐसा सोप या डिटर्जेंट जो है उसमें अगर हम कपड़े धोए भिगो के रखें तो आपके कपड़ों में से भी जो है, क्योंकि जो है बारिश का जो सीज़न है, रेनी सीज़न, ये सबसे ज़्यादा जो है वो ससेप्टिबल होता है, मतलब फंगस को ग्रो होने के लिए ये सबसे फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ऐसे समय में ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसे हम नमी कहते हैं, मॉइस्चर रहता है एयर में, दमट वातावरण रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब दमट वातावरण, और ऐसे समय में जो है वहाँ पे मॉइस्चर भी मिलेगा, मतलब थोड़ा बहुत पानी भी है और गर्मी भी है, गर्माहट भी है, वार्मथ भी है, ऐसे जगह पे फंगस आसानी से ग्रो होता है। स्पेशली आपने कभी देखा होगा कि देखो जब हम जो है वो बारिश में बूट पहनकर जाते हैं या जो भी चप्पल फुटवेयर आप यूज़ करते हो उसमें मिट्टी लग जाती है और हम एज इट इज़ लाकर उसे फुट रैक में रख देते हैं या आपके शू रैक में रख देते हैं और वहाँ पर फिर जो है वो कुछ समय बाद हम उसको साफ नहीं करते और कुछ समय बाद हम एज इट इज़ अगर उसको पहनते हैं तो उसमें ऑब्वियसली फंगस ग्रो हुआ है क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी, पानी भी था, गीले थे शूज़ और लेदर के हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ससेप्टिबल है इस फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर वो फंगस जो है फिर आपके पैरों में ट्रांसफ़र हो जाएगा और पैरों से होते हुए आपके बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन क्रिएट होता है। फंगल इन्फेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि कभी कभी उसकी वजह से अगर आपके पैरों में इन्फेक्शन हुआ है तो आपका पैर भी काटना पड़ सकता है अगर वो इन्फेक्शन ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो भी फंगल इन्फेक्शन है इससे बचने के लिए ये सारे जो उपाय हैं वो करने चाहिए। तो आपको जो है वो आपके कपड़े धोने चाहिए, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में ना रहें, उसके साथ में चीज़ें कपड़े शेयर ना करें। सो दीज आर द प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डर्मेटोफाइटोसिस जिसे हम रिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट डिसीज के ऊपर आते हैं विच इज़ डेंगू, ठीक है। डेंगू जो है ये भी हमें पता है कि मच्छर से फैलता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो है वो डेंगू मच्छर अगेन वेक्टर है, माध्यम है, जैसे हमने मलेरिया में देखा था कि प्लाज्मोडियम मच्छर के माध्यम से हमारे बॉडी में उसे ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद में हमने फाइलेरिया देखा तो फाइलेरिया में जो वॉकेरिया बैंक्रॉफ्टाए जो वर्म है वो भी मच्छर के द्वारा ही या किसी कीड़े के द्वारा हमारे बॉडी में आता है, जिसे हम हत्ती पाँव कहते हैं। और उसके बाद में अब डेंगू जो है वो भी एक्चुअली मॉस्किटो, उसमें एक वेक्टर है, एक माध्यम है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसको मच्छर काटेगा तो उसे डेंगू ज़रूर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये है कि वो जो मच्छर है उसके बॉडी में डेंगू का वायरस होना चाहिए और वो आएगा कहाँ से, तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है जिसे डेंगू हुआ है उसे काटने वाला मच्छर आपको काटता है तो आपको वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। डेंगू जो है ये एक बहुत ही पेनफुल फीवर है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बुखार आएगा, पेनफुल, और इसके बाद में डिलिब्रेटरिंग वैक्टर है ये, मतलब ये जो भी है अगेन मॉस्किटो एक वैक्टर है, माध्यम है, जो भी वेक्टर बॉर्न डिसीज है। अभी बताया मैंने आपको कि अपने आप आपके पास में जो है वो डेंगू का वायरस नहीं आएगा, मच्छर के माध्यम से ही आएगा। देन यहाँ पे चार ऐसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, या बोल सकते हैं हम कि ऐसे वायरसेस हैं जो डेंगू कॉज करते हैं। चार प्रकार के वायरसेस होते हैं जो डेंगू कॉज करते हैं।
अब डेंगू कॉज करने वाला जो मच्छर है, ठीक है, जो आपको काटेगा वो है एडीएस, एडीएस मॉस्किटो। देखो मलेरिया में जो मॉस्किटो है वो है एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। फाइलेरिया जो कॉज करेगा वो है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और डेंगू जो कॉज करेगा वो है फीमेल एडीएस मॉस्किटो। सभी फीमेल है, इसका कारण भी मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी मेल है वो जो भी प्लांट सैप मतलब पेड़ों का रस होता है उसे पीते हैं, लेकिन जो फीमेल है वो खून जो है ह्यूमन का जो ब्लड है वो सक करती है। कारण यह है कि अंडे देने के लिए, एग्स ले करने के लिए उसे ह्यूमन ब्लड की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हमारा, हमें जो मच्छर काटता है वो फीमेल ही होता है, मेल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से मॉस्किटो के माध्यम से वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होता है। देन मॉस्किटो जो है, यहाँ पे वही बताया कि अगर मॉस्किटो जो है वो डेंगू वायरस को कब सक करेगा, जब वो सफरर जो है, जो भी पर्सन जो डेंगू से सफ़र कर रहा है उसे काटता है अगर मच्छर, तो उसके माउथ में ये वायरस आ जाता है और उसके बाद में फिर वो जो है वो नॉर्मल पर्सन को अगर काटेगा, बाइट करेगा, तो उसमें वो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा है इट कैनॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर। मतलब अगर मुझे डेंगू हुआ है और मेरे साथ में कोई रह रहा है तो साथ रहने से ये डिसीज़ नहीं फैलेगा जब तक कि मेरे बॉडी में जो ब्लड है उसे सक करने वाला मच्छर आपको काट नहीं लेता, तब तक के ये डिसीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेंगू। तो डेंगू जो है वो अगेन इट इज़ अ मॉस्किटो वेक्टर या मॉस्किटो बॉर्न वेक्टर डिसीज़। तो इस तरह से ये डिसीज़ जो है वो कॉज होता है। सो आज के इस वीडियो में जो है वो हमने अगेन दो डिसीज़ के बारे में डिस्कस किया, एक है रिंगवर्म और दूसरा है डेंगू, ठीक है। सो रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन है विच इज़ अ मिसनोमर, जो आपको मिसगाइड करता है, एंड डेंगू जो है वो मच्छर से फैलता है, लेकिन उसे कॉज करने वाला जो एजेंट है वो वायरस है, ठीक है। इसके बाद में आगे के जो डिसीज़ हैं, कैंसर है, इसके बाद का जो डिसीज़ है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो कैंसर है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कैंसर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।